सर आपका कोर्स टेलीग्राम में लोग बेच रहे हैं, दिस इज नॉट ए, लोग हमारा कोर्स टेलीग्राम में बेच रहे हैं और दिस इज नॉट गुड। मतलब हमारा कोर्स बेच के कोई अपना घर चला रहा है 150, और जो ले रहा है उसको भी सस्ता मिल रहा है, इसमें क्या गलत है भैया? गलत क्या है इसमें मुझे बताओ। पता नहीं लोग, देखो ज्ञान जहां से भी मिले, ज्ञान कोई चोरी नहीं है। हमने भगवान राम से कितनी बातें सीखी हैं, हमने रामायण से कितनी बातें सीखी हैं। ज्ञान एक अच्छाई है, और अच्छाई को चोरी नहीं कहते, अच्छाई कॉपी हो रही है, और उस कॉपी कराने में सामने वाले का जो एफर्ट लग रहा है वो उस एफर्ट की बेसिक कॉस्टिंग आपसे ले रहा है। मैं इसे गलत नहीं मानता, ना मैं पहले मानता था ना मैं आज मानता हूं। मैं इसीलिए यूट्यूब पे पढ़ाता हूं जहां पे कोई रिस्क नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारा यूट्यूब का ए टू जेड क्वांट, ए टू जेड 2.0 कोई टेलीग्राम पे बेच के दिखाए, मैं हाथ पर कटवा लूंगा। हिम्मत है कोई बेच के दिखाए? डर उनको है जो पर्दे के अंदर है, जो जिनका पर्दा जिन्होंने उठा लिया, उनकी खूबसूरती को कोई डर नहीं। समझे? ये बात ध्यान रखना। ज्ञान बांटने की चीज है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये सब बेकार की बातें, जिसके पास पैसा होगा ना वो कभी टेलीग्राम नहीं जाता मूवी डाउनलोड करने या रिकॉर्ड करने, वो सीधे थिएटर जाता है। आपने सुना कभी जिनके पास पैसा है वो नेटफ्लिक्स का पासवर्ड किसी से मांग रहे हैं, वो तो खरीद लेते हैं। जिन पे नहीं है वही किसी से पासवर्ड लेके के मूवी देखते हैं, जिसकी मजबूरी है। भाई कोर्स आज शिक्षा, कितने लोग ऐसे हैं जो 800-900 का कोर्स भी नहीं कर सकते। 800-900 कोर्स तो बहुत बड़ी बात है। कितने, मैं ऐसे लोगों से भी जुड़ा हुआ हूं, बच्चों से जुड़ा हुआ हूं, जिनको महीने का राशन 500 रुपये में चला रहे हैं खर्चा अपना। 800-900 का कोर्स तो बहुत बड़ी बात है बेटा, लोग उस तह तक जाते नहीं है। मैं इतने बच्चों से जुड़ा रहा हूं, मैं उनके दर्द को समझता हूं। मैं भी पहले लगता होगा आज से 10 साल पहले, अरे किसी पे 500 की मजबूरी नहीं हो सकती। मैं 20 रुपए की मजबूरी वाले लोगों को जानता हूं, मैं उन लोगों को भी जानता हूं जो आज भी 3-3 किलोमीटर पैदल चल लेते हैं। ये सिर्फ डायलॉगों में अच्छा लगता है, अरे नेट का रिचार्ज हो गया, कैसे रिचार्ज किया, वो लड़का कैसे आपसे रोता है। कितने लड़के हैं, मैं यहाँ नाम नहीं लूंगा, जो रिचार्ज के लिए रोते हैं कि सर रिचार्ज मिल जाए तो हम भी यूट्यूब से पढ़ के कुछ जीवन में कर जाएं। अभी बाढ़ के मौसम में लोग हाथ डाल के अपनी छत पे बैठे हैं, ये स्थिति है जहां जहां बाढ़ आ रही है। मैं लगता नहीं है पास से देखने से। तो ज्ञान जितना आप फैला सकते हो फैलाओ, इसमें कोई गलत नहीं है। कुछ लोगों को ये लगता है कि नहीं ये मेरा ही है, तो ऐसे लोगों का भ्रम हमने टूटते हुए देखा है। कुछ इस संसार में अपना नहीं है, ये शरीर भी अपना नहीं है, ये शरीर भी लीच पे ऐसे ही चला जाएगा। जब आप लोगों को भले की नजर से देखते हो ना, तो ऊपर वाला अपने आप देता है, अलग अलग रास्ते दे देता है। मेरे पास पैसा आना होगा तो उसका माध्यम सिर्फ आप नहीं हो, मेरी और कंपनियां चल पड़ेंगी, कहीं और से पैसा आ जाएगा, कोई स्टॉक खरीद के डाला होगा। बताओ, एक लड़का देख रहे हो कैसे लिख रहा है, एक फटे हुए अंडरवियर से काम चला रहा हूं। कितने लोग यार, मुखर्जी नगर मसला में जो दिखाया है उसमें कपड़े मेरे मेरे हैं उसमें कपड़े, हाँ जो कि भाई हम लोग, आप में से शायद ही कोई होगा हम में ऐसे, या जितने भी लोग सफल हैं उनमें से शायद ही कोई ऐसा हो जिसने फटे हुए अंडरवियर ना पहने हो। भाई हमने तो लाइफ, हर आदमी पहनता है, एक आध छेद डजंट मैटर यार, बताओ कोई बड़ी बात नहीं है। खैर छोड़ो, मैं अभी इमोशनल नहीं होना चाहता।